वाले अरविंद वैश्य, इनकी कुछ बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अरविंद, उनकी माताजी मौजूद हैं, उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। उसके दोस्त ने बोला मैं आता हूँ स्कूटी लगाने, वहाँ गया, उतने में उन लोग आगे से आए, ऐसी पकड़े और देखने वाले ने क्या बोला कि हम दिखा ही नहीं चाकू लिया, उसने यहाँ छुपाया था। वो जैसे उसको कॉलर पकड़ के अंदर डाल दिया और वो उसी टाइम ऐसा गिर गया, लेकिन उसको उठा के दो तीन बार मारे तो मारे पास उसने से चाकू को एक बार हमारे भैया का मारे उसी टाइम तोड़ दिया। हाथ मारा तो भी तो उनको भाग के आगे पकड़ना चाहिए, वो सेकंड थर्ड क्यों हुआ? मेरे भैया को एक बार नहीं, तीन तीन बार मार दे, नहीं मारा बच्चा, एक बार मारा होता तो बच जाता, एक बार मारा होता शायद मेरा भैया बच जाता। धारावी के रहने वाले अरविंद वैश्य, इनकी कुछ बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अरविंद, उनकी माताजी मौजूद हैं, उनकी बहन मेरे साथ मौजूद हैं। बहन जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि उस दिन रात को क्या हुआ और ये हत्या करने वाले लोग कौन थे और किस तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया? सर, पहली बात तो मुझे यही पता है कि हमको इस सब चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं मालूम था। मुझे भी हमको इसने बस इतना, जैसे हम लोग ने आया है गड़िया से, जैसे उतरे कैसे कहाँ से आवत रहे हम नहीं जाने थे, गड़िया से जैसे उतरे मेरे भैया के चक्कैया बोल दे, हमको सब पता है, मैं देखी नहीं हूँ ना मैं सुनी हूँ, हमको भी सब यही बोल रहे थे कि गाड़ी से आया, वीडियो देखा तब हमको मालूम पड़ा, हम सब यही बोले कि तुम्हारा लड़का गाड़ी से आया, जैसा उतरा गया था किधर नहीं गया था मैं नहीं जानती, पीछे पुलिस था, आगे मेरा बच्चा था, पुलिस के सामने मेरे बच्चे को अच्छा हो गए, सब यही तीन बार मारे हमारे बेटे को, मैं देखी हमारे बच्चों को मेरे भी गुनाह से मार, भैया मार गड़िया से आए ने काड़ा ही भाए ने वो ताई मारे। उसके दोस्त ने बोला मैं आता हूँ स्कूटी लगाने, वहाँ गया, उतने में उन लोग आगे से आए, ऐसी पकड़े और देखने वाले ने क्या बोला कि हम दिखा ही नहीं चाकू लिया, उसने यहाँ छुपाया था, वो जैसे उसको कॉलर पकड़ के अंदर डाल दिया और वो उसी टाइम ऐसा गिर गया, लेकिन उसको उठा के दो तीन बार मारे तो मारे पास पूछने से चाकू को मारे, एक बार हमारे भैया का मारे उसी टाइम दम तोड़ दिया। पुलिस वाले भी थे? पुलिस वाले भी थे, कुछ नहीं किया पुलिस पकड़ तो लिए, क्या मालूम क्या, लेकिन बचाया जा सकता था सर, बचाया जा सकता था अगर एक जैसा माना कि वो उनको चाकू नहीं, लेकिन अगर वो हाथ से ही मारा तो भी तो उनको भाग के आके पकड़ना चाहिए, वो सेकंड थर्ड क्यों हुआ? अबे सब कुछ मुझे नहीं मालूम, कहाँ मारे, ये बताओ अभी आपको इंसाफ कैसे चाहिए, ये लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? ये लोग का पूरी जिंदगी सजा होना चाहिए, झूठना नहीं चाहिए, जान नहीं लेनी है हमें, जान नहीं चाहिए हमारे, जान जान लेने से हमारा भैया नहीं मिलेगा, हमें जान लेने की हक नहीं है, किसी की जान नहीं चाहिए, किसी का हक नहीं होता, हमको पूरी जिंदगी वो है रहे, छूटे न जाए मेरे भैया को, मेरे भैया को एक बार नहीं, तीन तीन बार मार दे, नहीं मारा बच्चा, एक बार मारा होता तो बच जाता, एक बार मारा होता शायद मेरा भैया बच जाता, क्या कर पाएगा मेरा। अभी एक बार में अगर उसको इतना, उन लोग को आप सोचिए ये कंटिन्यू होने की वजह से, आप जो उनको डर नहीं था, नहीं तो एक बार उनको मार के भाग जाना चाहिए था, बट उन लोगों ने नहीं हिम्मत की, उनकी हिम्मत देखिए ना, मारते गए इसे कैसे उन लोग कर सकते, इतने बेखौफ कैसे, इनको कोई पुलिस का डर नहीं, कानून का डर नहीं, भगवान जाने, हम लोग नहीं जानते क्यों नहीं डरे, क्या कारण से नहीं डरे, किस कौन सा सपोर्ट हो, अब हमको क्या पता किसके सपोर्ट से नहीं वो डरे, हम नहीं बता सकते, हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम साहेब कि क्या तुम्हारा, तुम क्यों आए हो, हमको क्या मालूम साहेब, हमको कुछ ना, उनको हम जानते हैं ना, हम चीनते हैं ना, हमारा बच्चा किसी से मतलब रखता था। क्या बात हुई आखिरी बार अरविंद से, क्या बात हुई थी आखिरी बार जो अभी आपको याद आती, क्या बात हुई? मेरा भैया
मेरा आदमी वाचमैनी का काम करता है, बीमार रहते वाचमैनी का काम करता है। मेरा बच्चा गेहूं चावल लेके आया 5 बजे के लगभग, कल संडे को छुट्टी था, संडे को छुट्टी था। संडे को ही एडमिशन करा के आया, फर्स्ट ईयर का एडमिशन का फीस नहीं भरा था उसने, उसका कुछ तो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना, उन्होंने को कॉल चल रहा था वही करके वो बस आया था 8:30 की बात है, मुझे नहीं पता टाइम था। कुछ बातचीत हुई? कुछ नहीं साहब, मैं बोली भैया खाया, मैं बोली भैया भगवान का प्रसाद है खा ले, कहा अम्मा गई थी, मैं बोली बाबुलनाथ गई थी कांवर लेकर के, कहन किधर है, तो मैं बोली ले ले, तो मेरे हाथ से मेरा दिया हाथ से ही मेरा बच्चा खाता था, अपने हाथ से नहीं लेता था, बोला नहीं तू देगी तो मैं लूंगा, मैं दी तो मैं खाया तो चला गया, मेरे से कोई बातचीत नहीं हुआ साहेब। थकी थी ना तो, और ऐसी लेटी थी और घर में कोई नहीं, उसका तो किसी से झगड़ा भी नहीं था, वो तो बचाने के लिए गया था, झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच बचाओ गया, बचाने के लिए गया, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, इतनी पब्लिक थी फिर भी कोई नहीं आ पाया उसको बचाने के लिए, आस पास के लोग खड़े थे वहाँ पर देख रहे, आस पास के हजारों आदमी खड़े थे, सीसीटीवी फुटेज में आया है लेकिन कोई नहीं बचाया, आम बात के ऐसे वो गया था झगड़ा छुड़ाने, और इतना बड़ा हो गया इंसिडेंट फिर भी कोई नहीं आया बचाने, उसको माया लगा मोहब्बत मत लगा होगा, छुड़ाने चला गया होगा, कौन सा गलत कर दिया। आप अपना ख्याल रखिए अम्मा, मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से परिवार बताया या आरोप लगाया कि पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनके सामने ये हत्या को अंजाम दिया गया, अगर वक्त रहते शायद जो है अरविंद को बचाया जा सकता था। दूसरी तरफ परिवार ये भी कह रहा है कि वहाँ पर सैकड़ों की भीड़ थी लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की, लोग तमाशबीन बनकर के सब कुछ देखते गए, अगर उनमें से किसी ने हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज अरविंद हमारे बीच में होता, लेकिन अफसोस की बात है कि आज अरविंद हमारे साथ नहीं है, और परिवार जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है, वो ये नहीं चाहता कि उन्हें फांसी हो आरोपियों को, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि वो ताउम्र जो है वो जेल के भीतर रहे, वो बाहर ना निकले, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी। मुझे एक बात और बोलना है, सब बोलने वाले ऐसा बोलते कि इन लोग हिंदू मुस्लिम करे, सर मैं लेकिन हाथ जोड़ रही हूँ, मुस्लिम हमारे भी फ्रेंड है, हम भी आज से नहीं, हम लोग सब आते हैं, मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं है, कुछ नहीं, हमारे घर में गणपति माँ आते खाना भी खाते हैं उन लोग, बस इतना था। आप लोग ये इंसाफ चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त, हमको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, वो छोड़ दीजिए आप बात, मैंने वो बात, वो बात आप ये बताइए सजा क्या मिलनी चाहिए, सजा यही मिलना चाहिए कि वो हमारे वो छूटना नहीं चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए, उन छूटना नहीं चाहिए, उनकी जान हमें नहीं चाहिए। मैं आपको बोलूं, वो जेल में रहेंगे तो भी तो आराम से जी रहे हैं ना वो, हमको क्या है कि हमको कैसा मालूम पड़ेगा कि उनको हमको इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके वहाँ के लोग, टेंशन नहीं हम छुड़ा लेंगे, क्यों ऐसा होते आया करके उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, ऐसा कैसे कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि एक बार दो बार तीन बार कैसे कर सकता है, आप बताइए सामने कितनी हिम्मत उसकी पड़ गई, तो ठीक है पुरानी दुश्मन अगर कुछ नहीं था, ये हमारा बच्चा किसी से झगड़ा नहीं करता था भैया, किसी से भी पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, पूरी धराबी में पूछ लो, मेरा बच्चा उसने मारा है मेरे भाई को, वही हाथ पूछो, पूरी मेरे गले से लेना चाहिए उसका, वो अगर हम झूठ बोल रहे हैं आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे गले में लड़का कैसा था, चलो गले से बात कर लो मेरे, थैंक्स ऑन ओबा जो इस दुख की घड़ी में आपके साथ है, और हम आपके साथ, हम यही चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले और जो आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, यही आरोपी के लिए जो है सजा की मांग परिवार कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो।